हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे और हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ट्राई किया। और हमने सबसे पहले परसेप्ट्रॉन ट्रिक पढ़ा, वहाँ पे हमने स्टेप फंक्शन यूज़ किया। फिर हमने लास्ट वीडियो में रियलाइज किया कि स्टेप फंक्शन में बहुत बड़ा फ्लॉ है और उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मॉइड फंक्शन से, बट उससे भी हमें सही रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो हमें सिग्मॉइड फंक्शन के यूज करने पे आया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीडियो में जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, फाइनली दिस इज द आउटकम ऑफ दैट ग्राफ। एंड यहाँ पर जो रेड लाइन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज द स्टेप फंक्शन वाला परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम। जो ब्राउन लाइन है दैट इज सिग्मॉइड, और जो ब्लैक लाइन है That is scikit-learn, original वाला। So you can see, मतलब हमने जब step function को replace किया sigmoid function से, तो there is a minor improvement। मतलब minor क्या कह सकते हो कि आप सही direction में move कर भी रहे हो, but अभी भी जो optimum solution है, जो best solution है इस problem के ऊपर, जो best line बना सकते हो आप, जो इस data को अच्छे से classify करेगी, उससे हम थोड़े दूर हैं। Question ये आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो लॉजिक लगाया था उसके हिसाब से हम सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में सुनते थे जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड है। फिर हमने इस लॉजिक को ही चेंज कर दिया, फिर हम हर पॉइंट से सुनने लग गए, इधर दे आर करेक्टली क्लासिफाइड और इनकरेक्टली क्लासिफाइड। बट ये सोल्यूशन भी कन्वर्ज क्यों नहीं कर पाया, उसका रीजन ये है कि मशीन लर्निंग में आप इस तरीके से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकालते हो। मतलब आप एक चीज सोच के देखो, ये परफेक्ट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इन 1000 टाइम्स। आप रैंडम नंबर को सेलेक्ट कर रहे हो और आप उससे पूछ रहे हो कि तुम सही से क्लासिफाइड हो या नहीं हो। अगर सही से क्लासिफाइड हो तो लाइन को धक्का मारो, और अगर इनकरेक्टली क्लासिफाइड हो तो लाइन को अपनी तरफ खींचो, राइट। बट सोच के देखो, हर बार कोई रैंडम नंबर तो अलग अलग जनरेट होगा, राइट। तो हाउ कैन वी से, मतलब हमारे पास तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है ये बताने का कि इस बार जब हम लूप चला के लाइन फाइंड करेंगे तो यही बेस्ट लाइन होगी। मतलब हमें एक लाइन मिल रही है, हमें ये ब्राउन लाइन मिल रही है जो डेटा को करेक्टली क्लासिफाई कर रही है, बट हमारा मेथोडोलॉजी ऐसा है कि हम कन्विक्शन के साथ ये नहीं बोल सकते कि यही बेस्ट लाइन होगी। हमारे मेथोडोलॉजी में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ये लाइन बेस्ट लाइन बन सकती है। ये सिर्फ एक सॉल्यूशन निकाल के दे सकता है, बट क्या वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अगली बार जब आप फिर से लूप चलाओ तो ऐसे पॉइंट्स रैंडमली सेलेक्ट हो जिनसे इससे भी बेटर सॉल्यूशन आ जाए, बट क्या आप उसके बारे में बोल सकते हो कि वो बेटर सॉल्यूशन होगा, कोई गारंटी नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मशीन लर्निंग वाला रास्ता यूज करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग हमेशा एक तरीका यूज करती है। मशीन लर्निंग किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको बोलती है कि आप एक लॉस फंक्शन खोजो, एक लॉस फंक्शन या फिर आप एरर फंक्शन खोजो। अब लॉस फंक्शन या एरर फंक्शन क्या होता है, आपका मॉडल जितनी गलती कर रहा है उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने का तरीका होता है। एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कितनी करोगे, और जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिल जाता है, ये लॉस फंक्शन मिल जाता है, आप क्या करते हो, आप उसके मिनिमा को पकड़ते हो, जहां पे लॉस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम है, और वहां पे जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपके एक्चुअल सॉल्यूशन होते हैं। ये अभी तक हमने ये सेम काम लीनियर रिग्रेशन में किया, और अब ये सेम काम हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी करना पड़ेगा। सो अब आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा ध्यान इस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि हम एक लॉस फंक्शन खोजेंगे, हम एक एरर फंक्शन खोजेंगे इस प्रॉब्लम के ऊपर, और फिर आप उस एरर फंक्शन का सॉल्यूशन निकालते हो। अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्यूशन निकालने का, इधर यू फाइंड अ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, डायरेक्टली फॉर्मूला निकल जाए, या फिर आप ग्रेडियंट डिसेंट जैसा कोई टेक्निक यूज करते हो जिससे आप सॉल्यूशन निकालते हो। So, वो आगे की बात है। आज के वीडियो में हमारा गोल इस प्रॉब्लम के ऊपर एक एरर फंक्शन खोज के निकालना। सो वही हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे। सो गाइज, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ लॉस फंक्शन, ठीक है। और वो लॉस फंक्शन निकालने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा डेटा सेट रख रहा हूं,
बहुत ही छोटा सा डेटा सेट है, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं इसमें, और इसमें मैंने दो मॉडल्स बनाए हैं, बेसिकली दो लाइंस ड्रॉ की हैं. दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन. आपको वीडियो पॉज करके ये सोचना है कि इन दोनों में से कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा है. सो इस पॉइंट पे अगर आप थोड़ा भी देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मॉडल 2 इज बेटर देन मॉडल 1, राइट? क्योंकि मॉडल 2 क्या कर रहा है, दोनों लेबल्स को, दोनों क्लासेस को परफेक्टली क्लासिफाई कर रहा है. ग्रीन पॉइंट्स सारे एक तरफ है और रेड पॉइंट्स सारे दूसरे तरफ है. तो हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल का यही काम है, क्लासिफाई करना. तो मॉडल 2 इज क्लियरली बेटर एट क्लासिफाइंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू मॉडल 1, जहां पे आप मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है? तो ये तो बहुत इजी हो गया, देख के समझ में आ गया, राइट? बट अगर मैं आपसे ये पूछूं, लेट्स से कि ये मॉडल ज्यादा अच्छा है या ये मॉडल ज्यादा अच्छा है, तब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी, राइट? मतलब अब आप इतना इजीली नहीं बोल सकते कि ये वाला मॉडल अच्छा है या ये वाला मॉडल अच्छा है. यहीं पे लॉस फंक्शन आपको हेल्प करता है. लॉस फंक्शन आपको ये बताता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा या कितना खराब है. एंड इवन बेटर देन दैट, लॉस फंक्शन आपको दो मॉडल्स के बीच में बता देगा कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल खराब है. और लॉस फंक्शन को यूज करके आप उस मॉडल को फेच कर सकते हो या निकाल सकते हो जो सबसे अच्छा होगा, ठीक है? तो हम वही करने वाले हैं. हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हमारे लॉस फंक्शन को डिराइव करने के लिए. उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है? एंड इट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटीज. सो मैं क्या करने वाला हूं, अभी हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ कौन सा मॉडल अच्छा है, ये वाला मॉडल या ये वाला मॉडल, और आपने देख करके बता दिया कि मॉडल 2 इज बेटर देन मॉडल 1. बट अब हम मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी को यूज करके ये प्रूव करेंगे कि मॉडल 2 सच में बेटर है मॉडल 1 से, ठीक है? और ये करने के लिए हमारा हेल्प करेगा सिग्मॉइड फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए y hat कैलकुलेट करते हैं. y hat मतलब प्रिडिक्शन कैलकुलेट करते हैं. सो मैं इस मॉडल में हर पॉइंट का प्रिडिक्शन कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? आपको पता है प्रिडिक्शन कैसे कैलकुलेट होता है? प्रिडिक्शन कैलकुलेट होता है यूजिंग दिस सिग्मोइड ऑफ z, वेयर z इज सिग्मा ऑफ wi xi डॉट प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द मॉडल, ठीक है? तो हम ये करने वाले हैं. अब ऑब्वियसली मैं एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, बट हम ट्राई करते हैं. सो इस मॉडल का पॉजिटिव रीजन ऊपर की साइड है और नेगेटिव रीजन नीचे की साइड है. थोड़ी देर के लिए अगर हम इन पॉइंट्स के कलर्स को भूल जाएं, तो अगर हमें प्रिडिक्शन निकालना है, सिग्मॉइड का आउटपुट निकालना है, तो हमें पता है कि लाइन के ऊपर आपका आउटपुट विल बी 0.5 और लाइन से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका आउटपुट विल इंक्रीज टुवर्ड्स 1 और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका आउटपुट विल डिक्रीज टुवर्ड्स 0. सिग्मॉइड फंक्शन यही करता है. सो अब ये मान लेते हैं कि ये जो आपका ग्रीन पॉइंट है, इसका ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी, ये लाइन बाय द वे आपको बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज ऑल्सो 0.5. बट आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है और जैसे जैसे नीचे जाते हो तो आपका रेड का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, राइट? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, लेट्स अज्यूम कि ये जो पॉइंट है इसके ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी इज 0.7, मान लेते हैं. और गोइंग बाय दैट लॉजिक, इस पॉइंट के ग्रीन होने का लॉजिक कुड बी 0.6, अगेन मान लेते हैं. Going by that logic, इस पॉइंट के ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी कुड बी 0.4 और इस पॉइंट का ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी कुड बी 0.2, ठीक है? अब साथ ही साथ हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि हर पॉइंट के रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, और वो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है. आप सिंपली ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हो. सो फॉर दिस पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विल बी 0.3. For this point, probability of red would be 0.4. For this point, probability of red would be 0.8. And for this point, probability of red would be
0.6, ठीक है। सो हमने क्या किया, अपने हर पॉइंट के लिए दोनों प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मैं सेम काम यहां पे कर रहा हूं, इसके लिए मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, बाय द वे इस मॉडल का ग्रीन इस तरफ है, मतलब पॉजिटिव रीजन ऊपर की तरफ है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मान लेते हैं 0.7, इसका मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 0.6, इसका मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 0.4, और इसका मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 0.3, ठीक है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा 0.3, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा 0.4, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा 0.7, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा 0.6। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या बोलता है, कि आपको अगर पता करना है कि कौन सा मॉडल अच्छा है मैथमेटिकली, तो आप क्या करते हो, आप उस मॉडल का जो प्रिडिक्शन है yi hat फॉर ऑल द पॉइंट्स, जो बेसिकली सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हुई हैं, उन प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, और जिसका भी प्रोडक्ट ज्यादा है वो मॉडल बेटर है। सो अब मुझे क्या करना है, फॉर दिस मॉडल आई विल मल्टीप्लाई ऑल द प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स, और इस मॉडल के लिए भी मैं सेम काम करूंगा। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मॉडल वन के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड कैलकुलेट कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, हर पॉइंट का जो आउटपुट है, प्रिडिक्शन है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बट एक चीज आपको ख्याल रखनी पड़ेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी लोगे जिस कलर का वो पॉइंट है। मतलब ये हुआ कि सिंस ये ग्रीन कलर का है, तो यहां पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लोगे। सो आप यहां पे लिखोगे 0.7 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये पॉइंट रेड है तो आप यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नहीं लोगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लोगे, जो कि कितना है 0.4। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे ग्रीन से, दैट इज 0.4, और फिर आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड से, जो कि है 0.8। और सिंस ये सारी प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको ये आंसर मिलेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर मॉडल वन। सिमिलरली अगर हम मॉडल टू के लिए निकालें, सो मॉडल टू के लिए हम यहां पे ग्रीन का प्रोबेबिलिटी लेंगे 0.7, यहां पे भी हम ग्रीन का प्रोबेबिलिटी लेंगे 0.6, यहां पे हम रेड का प्रोबेबिलिटी लेंगे 0.6, और यहां पे हम रेड का प्रोबेबिलिटी लेंगे 0.7। और अगर आप ध्यान से देखो, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेशन कर देता हूँ आपके लिए, और फिर हम उसके आगे डिस्कशन करते हैं। सो गाइज, ये रहा कैलकुलेशन, मैंने दोनों प्रोडक्ट्स निकाल लिए। सो फॉर द मॉडल वन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड इज कमिंग आउट टू बी 0.089, और सेकेंड मॉडल के लिए इट इज 0.176। सो यू कैन क्लियरली सी मॉडल टू का मैक्सिमम लाइक्लीहुड इज ग्रेटर देन मॉडल वन, एंड दैट इज सो गुड। मतलब हमने इवेंचुअली एक तरीका निकाल लिया जिसको यूज करके हम दो मॉडल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि हमें वो मॉडल निकालना है, हमें वो मॉडल खोजना है जिसके लिए, जिस कोफिशिएंट के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। हमें एक ऐसा लाइन चाहिए, मतलब हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए, मतलब कोफिशिएंट चाहिए, जिसकी वजह से जब आप क्लासिफाई करो अपने पॉइंट्स को, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड कैलकुलेट करने पे वो नंबर मैक्सिमम आए, हमें वो लाइन निकालना है, राइट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ये मॉडल अच्छा है, ये तरीका अच्छा है पता करने का कि मॉडल वन अच्छा है या मॉडल टू अच्छा है, या सबसे अच्छा मॉडल निकालने के लिए ये तरीका अच्छा है। बस एक परेशानी है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है छोटे नंबर्स का। सो अगर आप देखो यहाँ का बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि आपने सिर्फ चार नंबर लिए, चार रोज लिए, चार पॉइंट्स लिए, और उनका आपने प्रिडिक्शन कैलकुलेट किया और उनको मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी ये नंबर कितना छोटा है। अब इमेजिन अ रियल वर्ल्ड डेटा सेट जहां पे 10,000 रोज होंगे और 10,000 इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जब आप 10,000 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर बहुत ही छोटा बन जाएगा, और फिर ये वाला कंपेरिजन वैलिड नहीं रहता। तो किसी तरीके से हमें इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू सम, एडिशन,
ठीक है, तो आप क्या करते हो, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं इस फॉर्मुलेशन में, आप क्या करते हो, आप इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हो यूजिंग समेशन। बट समेशन में कैसे रिप्लेस करते हो, आप लॉग यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको पता होगा लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। सो आप क्या कर रहे हो, आप अपना मैक्सिमल मैक्सिमम लाइकलीहुड को ले रहे हो और उसका लॉग कैलकुलेट कर रहे हो, और जैसे आप लॉग कैलकुलेट करोगे इस चीज का, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 0.7 प्लस लॉग ऑफ 0.4 प्लस लॉग ऑफ 0.4 प्लस लॉग ऑफ 0.8। नाउ दिस इज बेटर, जितने भी नए पॉइंट्स आते जाएंगे आप उनका प्रिडिक्शन निकालते जाओगे और उनका लॉग कैलकुलेट करके ऐड करते जाओगे इस इक्वेशन में। ठीक है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दिस कि आपका जो नंबर है यहाँ पे ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, और अगर आपको पता होगा लॉग अगर आप कभी भी निकालो 0 से 1 के बीच में किसी नंबर का, वो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, आई कैन एक्चुअली शो दिस टू यू, आई विल जस्ट गो टू कैलकुलेटर एंड आई विल जस्ट कैलकुलेट लॉग ऑफ, सी यू कैन सी मैंने लॉग ऑफ 0.5 कैलकुलेट किया एंड इट इज कमिंग आउट टू बी -0.3। ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और लॉग ऑफ 0.9 कैलकुलेट करूं, तो अभी भी ये नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सारे के सारे लॉग्स को नेगेटिव कर देंगे। मतलब मैं ये कर दूंगा, लेट मी शो यू, मैं माइनस कैलकुलेट करूंगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब ये जो चीज आपको मिल रही है इसको बोला जाता है क्रॉस एंट्रोपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार ध्यान से सुनो, जब भी आप मैक्सिमम लाइकलीहुड का नेगेटिव लॉग का समेशन करते हो आप उसको क्रॉस एंट्रोपी बोलते हो। ठीक है, दिस इज क्रॉस एंट्रोपी, द समेशन ऑफ नेगेटिव लॉग्स ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड इज कॉल्ड क्रॉस एंट्रोपी। सो हम अब क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं रादर देन कैलकुलेटिंग मैक्सिमम लाइकलीहुड। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग, मैक्सिमम लाइकलीहुड में आपको क्या करना था, आपको ऐसा मॉडल सेलेक्ट करना था जिसका प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो, तो आपको मैक्सिमाइज करना था मैक्सिमम लाइकलीहुड को, बट क्रॉस एंट्रोपी को मिनिमाइज करना होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप लॉग निकालते हो तो लॉग ऑफ 0.1 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 0.9, राइट? ये आई गेस आपको पता होगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कैलकुलेटर में, कि अगर आप लॉग ऑफ 0.1 निकालो तो इट इज -1, अगर आप माइनस ले लो तो इट इज 1। ठीक है, और अगर आप 0.9 का लॉग निकालो तो इट इज -0.04, अगर आप इसको माइनस कर दो तो सिर्फ 0.04, मतलब दिस वैल्यू इज -1 एंड दिस वैल्यू इज -0.04। अगर आप इसके आगे माइनस लगा दो तो ये प्लस हो जाएगा। सो यू कैन सी छोटा नंबर का लॉग बड़ा है और बड़े नंबर का लॉग छोटा है, तो जहां पे आप मैक्सिमाइज कर रहे थे मैक्सिमल लाइकलीहुड को, अब आप क्रॉस एंट्रोपी के केस में मिनिमाइज करोगे। सो मैं बस इतना बोल रहा हूं कि अगर आप क्रॉस एंट्रोपी यूज कर रहे हो एज योर लॉस फंक्शन, आपको वो मॉडल को पकड़ना है जिसका क्रॉस एंट्रोपी इज मिनिमम। मैक्सिमल लाइकलीहुड में आपको मैक्सिमाइज करना था, बट जिस तरीके से हमने मैथ्स को इंप्लीमेंट किया, अब हमें चीजों को मिनिमाइज करना है। वो मॉडल बेस्ट होगा जिसका क्रॉस एंट्रोपी वैल्यू सबसे कम होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा कोफिशियंट्स कैलकुलेट करने हैं जिसके लिए, जिस मॉडल के लिए क्रॉस एंट्रोपी का वैल्यू इज मिनिमम। ठीक है, सो हम लोग काफी दूर तक पहुंच गए, वी आर ऑलमोस्ट देयर, हमारा लॉस फंक्शन हमारे जस्ट सामने है। अब बस हमें क्या करना है, इस पूरी चीज को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जैसे ही हम उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे हमें हमारा लॉस फंक्शन मिल जाएगा। अब देखो गाइस, हमें जो फॉर्मूला निकालना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचना थोड़ा इसके बारे में, क्या हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं?
log of y1, actually y1 hat minus log of y2 hat minus log of y3 hat and minus log of y4 hat. Since हमारे पास चार पॉइंट हैं, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? मतलब सी बेसिकली मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया. द आंसर इज नो. आप डायरेक्टली यहाँ पे y1, y2, y3, y4 hat नहीं लिख सकते. उसका रीजन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम पॉइंट 1 को कंसिडर कर रहे हैं, हम जब इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को, तो इस केस में हमने कौन सा प्रोबेबिलिटी लिया, 0.7 वाला, एज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. बट इस केस में आपका yi hat क्या था, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रिडिक्शन क्या था, 0.6, क्योंकि प्रिडिक्शन हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं होगा. बट इस पॉइंट के लिए हमने कौन सा प्रोबेबिलिटी यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाला, राइट. सिमिलरली यहां पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिया, ठीक है, विच इज y3 हैट. बट इस पॉइंट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस y4 हैट लिया, रेड वाला, क्योंकि ये पॉइंट क्या था, रेड था. सो मेरा कहने का ये मतलब है कि इतना सिंपलिस्टिक फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये इतना सिंपलिस्टिक फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप सिंपली जो प्रिडिक्शन है वो ले ले रहे हो. अगर आपके पास रेड पॉइंट है तो आप 1 माइनस प्रिडिक्शन ले रहे हो, तो आपको इस फॉर्मूले को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि वो दोनों केसेस को हैंडल करे. और वो फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखना, माइनस yi log yi hat माइनस 1 माइनस yi log 1 माइनस yi hat, ये फॉर्मूला है गाइस. अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो मैं आपको बताता हूं, जब आप फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले पॉइंट को, इस पॉइंट के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि उसका लॉग लॉस या क्रॉस एंट्रोपी एरर कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. ग्रीन वाले पॉइंट के लिए yi जो है, एज इन उसका टारगेट वैल्यू, दिस इज 1, राइट. तो ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म जीरो हो जाएगा. तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस yi log y1 hat, क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, यहां पे भी y1 हो जाएगा. नाउ दिस y1 इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे माइनस log ऑफ y1 hat. और ये y1 hat क्या है, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट पॉइंट, और ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7. सो हम वापस नीचे जाते हैं और यहां पे लिख देते हैं कि फॉर द फर्स्ट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट पॉइंट इट वुड बी दिस, ठीक है. और अगर आप देखो तो यहां पर यू कैन सी, हमने सबसे पहला जो टर्म लिया था वो यही था, दिस वॉज द फर्स्ट टर्म, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, रेड वाले की, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं. अब इस पॉइंट के लिए भी हम क्या करेंगे, हम ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस yi, सिंस ये सेकेंड पॉइंट है, आप लिखोगे माइनस y2 log y2 hat माइनस 1 माइनस y2 log 1 माइनस y2 hat, ठीक है. अब यहां पर देखो y2 है क्या डेटा में, इट्स जीरो बिकॉज रेड पॉइंट है. तो अब ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और सिर्फ ये टर्म बचेगा, और ये टर्म के बचने से क्या होगा, यहां पे y2 फिर से आपने जीरो किया, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस y2 hat. अब y2 hat क्या है, y2 hat इज द ग्रीन वाला प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.6. जब हम 1 से इसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 0.6, तो ये हो जाएगा माइनस log 0.6, सॉरी 0.6 है तो 0.4 हो जाएगा, माई बैड, 1 से माइनस करने पे दिस विल बिकम 0.4. अब यहां पर देखो गाइस, ये जो हमारा सेकेंड टर्म था वो क्या था, सो ये भी हमने निकाल लिया. थर्ड वाली की बात करते हैं, थर्ड वाला ग्रीन पॉइंट है, तो फिर से इस फॉर्मूले में जब हम डालेंगे, तो सिंस y3 जो है वो 1 है, तो ये वाला टर्म फिर से जीरो हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस y3 log y3 hat,
y3 का वैल्यू 1 है तो बचेगा log y3 hat, और y3 hat क्या है, ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.4। तो यहां पे हम नीचे लिखेंगे थर्ड वाले पॉइंट से जो टर्म आएगा वो है log 0.4। अगर हम यहां पे चेक करें, ये देखो थर्ड वाले के लिए भी हमारे पास जो टर्म आ रहा था वो 0.4 था। अब लास्ट वाले के लिए निकालते हैं विच इज दिस रेड पॉइंट, तो रेड पॉइंट है तो फिर से क्या होगा, आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई फोर जो है दैट इज जीरो, रेड पॉइंट है तो सिर्फ ये बचेगा। तो आप लिखोगे 1 माइनस वाई फोर लॉग 1 माइनस वाई फोर हैट, ठीक है, वाई फोर जीरो है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई फोर हैट, और वाई फोर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दैट इज 0.2। तो हम नीचे जाएंगे और यहां पे लिख देंगे माइनस लॉग ऑफ 0.8, और अगर हम ऊपर जाएं तो ये देखो गाइस ये रहा फोर्थ टर्म। सो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूं, हमारा जो लॉस फंक्शन है वो एक्चुअली है माइनस वाई आई लॉग वाई आई हैट माइनस 1 माइनस वाई आई लॉग 1 माइनस वाई आई हैट। और आपको अगर सारे पॉइंट्स के लिए निकालना है तो आपको समेशन करना है, तो इट वुड बी 1 से लेके n, ठीक है। और एक चीज, अगर आपको एवरेज एरर निकालना है तो आप 1/n से डिवाइड कर दोगे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n माइनस, एक्चुअली माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो और आप लिख सकते हो वाई आई log yi hat plus 1 minus yi log 1 minus yi hat। और ये जो आपका गाइस एरर फंक्शन है इसी को हम बोलते हैं log loss error, या फिर कभी कभी इसको बोला जाता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो एरर फंक्शन है इसका कोई क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आपको एट द एंड क्या करना है, इस एरर फंक्शन को मिनिमाइज करना है, यू हैव टू मिनिमाइज देम एंड यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ w1 w2 एंड w0 सच दैट दिस फंक्शन हैज द मिनिमम वैल्यू। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया ये, बट इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, जैसा लीनियर रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर्ड एरर के लिए करता था, यहां पर ऐसा कोई क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का एक ही तरीका है और वो है ग्रेडियंट डिसेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर लॉस फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे और हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैलकुलेट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, हमने फाइनली वो काम कर लिया जो scikit-learn के लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता है, दे ऑल्सो हैव अ एरर फंक्शन, हमारे पास हमारा एरर फंक्शन आ गया और हमने बहुत लॉजिकली इसको डिराइव किया है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट सारे वीडियोस फॉलो करो तो आपके पास हर वाई का आंसर होगा। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा, इस लॉस फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट लगा करके वेट्स को कैसे अपडेट करना है, वो फॉर्मुलेशन कैलकुलेट करना और फिर उसको कोड करना इन पाइथन, और हम अपना खुद का लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास बना लेंगे, ठीक है। सो आई नो थोड़ा लंबा जर्नी रहा ये पूरा, बट आई होप इंटरेस्टिंग था, ठीक है। सो दैट्स इट आज के वीडियो के लिए, ग्रेडियंट डिसेंट कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो फिर बाय।